गाइस बहुत देर से आप लोग वो वाला ब्लॉग देख रहे होंगे जिसमें हम लोग आज धनतेरस की बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हैं। कल से ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, बट आज क्या क्या सामान मैं लेके आई हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। आज ज्यादा सामान मैं नहीं लेना था, फिर भी मेन मेन सामान जो धनतेरस को लिया जाता है वो मैंने लिया। ये देखो झाड़ू, सबसे पहले जो पूजा के लिए यूज होती है, क्यूट सा छोटा सा झाड़ू लिया। और आज के लिए मैंने ये दो नए दिए लिए हैं, ये मिट्टी के जो दिए होते हैं जलाने के लिए पूजा के लिए। और फिर लाइट वैसे हमने लगा दी है पहले से ही, बट एक लाइट मुझे बहुत अच्छी सी दिखी ना, ये दिया वाली लाइट है, मतलब ये मैंने मंदिर में लगाने के लिए लिया। ये दिया जैसी है गोल्डन कलर की और यहाँ पे एक छोटा सा लाइट लगा, मतलब जैसे हम दिया जलाते हैं ना बिल्कुल वैसा दिखेगा। मैं लगा के दिखाऊंगी आप लोगों को। और क्या लिया, और मैंने मिठाई भी ली है आज के पूजा के लिए। ये देखो मैंने थोड़ी सी ली, दीपक बड़ा वाला डब्बा पैक करवा रहे थे, बट मैंने सोचा कि ज़्यादा खाएंगे तो मुश्किल होता है, नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो मैंने छोटा सा क्यूट सा डब्बा पैक करवाया। इसमें मैंने सारी मिठाइयाँ एक एक डलवा ली हैं जिसे टेस्ट कर सकते हो। और फिर मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली धनतेरस के लिए। और क्या लिया, मैंने कुकर लिया एक, मेरे को छोटा एक रेड कलर का कुकर पसंद आया था, आप लोगों ने छोटे वाले रील्स वीडियो में शॉर्ट्स वीडियो में देखे होंगे। लेकिन दीपक को बड़ा कुकर चाहिए था क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हमारी फैमिली भी आएगी, तो दीपक अभी से प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि हमारे बर्तन थोड़े बड़े होने चाहिए ताकि जब सब लोग आए तो उनके लिए खाना भर भर के बन सके, किसी को कम ना हो। तो उसके हिसाब से दीपक ने 5 या 4 लीटर वाला कुकर लिया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना बड़ा है, इसमें कुकर की सीटी एंड ऑल है। और ये रहा हमारा ये क्यूसा कुकर, रेड वाला लिए होते तो मेरे को रेड रेड अच्छा लगता, बट ये भी अच्छा लग रहा है, ये हॉकिंस का है। और ये हो गया। और क्या लिया, दिया जलाने के लिए हमने नया घी लिया, वैसे घी हमारे पास था बट हमने सब कुछ नया नया लिया है आज। और फिर हमने थोड़ी सी वेजिटेबल वगैरह ली, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, धनिया वेजिटेबल, ये मेन जो दिवाली पे बनता हमने पहले से ले लिया क्योंकि कभी कभी ये मिलता नहीं है, इसको क्या बोलते मुझे नाम याद नहीं है, बट मुझे मासी ने लास्ट दिवाली में बताया था कि यही बनता है, तो मैं 2 किलोमीटर ड्राइव करके ये जाके लाके मैं पनीर बनाने के सोच रही थी, फिर उन्होंने बोला ये बनता है, इसको जमीनकंद या ऐसा जमीनकंद कुछ तो बोलते हैं जो जमीन में होता है सब मिला के, तो ये मैं जाके ले गया, इसलिए मैंने 2 दिन पहले ही ले लिया दिवाली में बनाने के लिए। और फिर हमारे घर में आटा खत्म हो गया था, हम 2 दिन से चावल खा रहे थे जाने के मारे लेने के लिए, तो फिर हमने आटा लिया। और इसमें मिल्क एंड दीपक ने अच्छी टेस्टी सब्जी बनाने के लिए गरम मसाला भी लिया है, मैं डेली मिल्क पीती हूँ रात को तो सोते टाइम पे हमने मिल्क भी लिया। और पूजा में जैसा कि फ्रूट लगता है ना, तो फिर हमने ये देखो बनाना और 4-5 टाइप का फ्रूट लिया, ये बहुत ही मीठे हैं, ये गुआवा है, मुझे ये दिखा कितना टेस्टी, इतना दूर से महक रहा था तो मैंने ये जल्दी जल्दी 2-3 ले ली। और फिर अनार भी लिया दीपक ने, और दीपक का ये लहसुन मिर्ची जिसको डाल के अच्छा टेस्टी सब्जी बनता दीपक ने वो भी लिया, एप्पल लिया और अदरक लिया। तो ये रही हमारी पूरी धनतेरस की शॉपिंग जिसमें हमने अपनी सब्जी और ग्रॉसरी भी ले ली, बाकी जो मेन मेन सामान था पूजा का और जैसे बर्तन वगैरह लेते हैं वो था। तो आप लोगों ने क्या क्या लिया धनतेरस पे ये जरूर बताना मुझे, क्योंकि मुझे भी जानना है यार आप लोगों ने क्या लिया।